हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि रेलवे एसएससी मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, मतलब क्या सिलेबस है और किस तरह क्वेश्चन आता है और कैसे आप सही तरीके से ये क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो मतलब टोटल नंबर होता है, मतलब टोटल मार्क्स होता है 150 फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3, मतलब अगर 3 आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा लगेगी फ्रेंड्स, डिप्लोमा आपका जो भी ट्रेड हो। और उसके बाद बीटेक अगर कोई होल्डर है तो वो एसएससी मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर में वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आएंगे कि क्या पैटर्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, मतलब टोटल नंबर है 150। तो ये अपर दोनों डिवाइड होता है फ्रेंड्स, एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 90 मार्क्स रहता है और टेक्निकल में 60 मार्क। नॉन टेक्निकल में क्या क्या रहता है फ्रेंड्स, रीजनिंग रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है और जनरल साइंस रहता है, ठीक है। और उसके बाद टेक्निकल में क्या रहता है फ्रेंड्स, टेक्निकल में 60 मार्क्स रहता है और 60 मार्क्स डिवाइड होता है हर एक ट्रेड में से 12 मार्क्स रहता है, मतलब हर एक मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 5 ट्रेड है, 5 ट्रेड से 12 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स और यहाँ से टोटल 60 मार्क्स, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट रहता है फ्रेंड्स, पता ही आपको। यहाँ पर बताया है, एक मान लीजिए राम यहाँ पर बैठे, उसका सेकंड राइट में श्याम बैठे, तो फर्स्ट राइट में क्या होगा, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसका अपोजिट में यह रहता है, कॉम्प्लिकेशन कुछ देते हैं वो उस तरफ से सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और हम लोग सब करेंगे फ्रेंड्स। हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे सभी फ्रेंड्स। तो उसके बाद ऑड वन आउट रहता है, मतलब देखिए टाइगर, लायन, कैट, टेबल, टेबल लेक ऑड वन है तो ये होगा ऑड वन आउट, ठीक है। सिलोजिज्म रहता है, सिलोजिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन टेस्ट रहता है, डायरेक्शन से आपको पता ही है, आपको कहेगा नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, अब 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 3 किलोमीटर साउथ में आया, उसके बाद 5 किलोमीटर ईस्ट में आया, तो यहाँ पर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस वो अभी है, तो फ्रेंड्स वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस फ्रेंड्स, और भी कुछ है रीजनिंग वो हम लोग बोल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस वहाँ पर क्या रहता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, परसेंटेज लगता है, मिक्सचर रिलेटेड लगता है। मिक्सचर रिलेटेड मतलब कोई पानी और मतलब मिल्क अगर 50-50% में मिक्स होता है, अगर पानी को 30% निकाल लेते हैं तो क्या है, एसेलरेटेड। बोर्ड्स एंड स्टीम, स्टीम मतलब आप स्टीम के अनुकूल जा रहे हैं और स्टीम के विपरीत जा रहे हैं बोट, उस हिसाब से बोट का क्या मतलब क्या स्पीड रहेगा वो सब। टाइम एंड वर्क रहता है। APGP रहता है फ्रेंड्स, APGP जैसे 256 ऐसे कहते हैं कोई सीरीज है तो 10th टर्म कितना होगा, ठीक है। रिलेशन एंड प्रोपोर्शन भी रहता है और ट्रिकोनोमेट्री भी रहता है, तो ये सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी अच्छा होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद और भी कुछ है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या रहता है, हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप 8 या 10 महीना और 6 मंथ भी होता है, मगर 8 और 10 महीना आप अगर करंट अफेयर्स कुछ रखेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो शायद आप कॉमन मिल सकते हैं फ्रेंड्स। और जनरल साइंस में क्या है फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लगभग 30 मार्क्स जनरल साइंस से आता है फ्रेंड्स और कुछ कम भी आता है, मगर बस 30 मार्क्स। और टेक्निकल में पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में हर एक स्ट्रीम से 12 करके मार्क्स आता है फ्रेंड्स,
हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। मैकेनिकल इंजीनियर हम तो देते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल में जाइए और देख लीजिए, उसमें ढेर सारा वीडियो डाला हुआ है फ्रेंड्स, और भी डाल लूँगा फ्रेंड्स, और रिलेटेड डालूँगा, क्वेश्चन भी दिखाऊँगा आपको, पैटर्न भी दिखाऊँगा, और इलेक्ट्रिकल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग सोच रहे हैं कि प्रोवाइड करें, और सिविल हम लोग अभी तक तो नहीं सोचे प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर कोई हम लोग को अच्छा बंदा मिल जाता है जो सिविल का बहुत अच्छा है और रेल में क्रैक कर चुका है, तो हम लोग उससे ज़रिए आपको वो भी पहुंचा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर 80 और 90 अगर मार्क्स आपको मिल जाता है तो आप क्वालिफाइड हो जाएगा, क्रैक करेंगे फ्रेंड्स आउट ऑफ 150। तो आपको हर एक स्ट्रीम में मतलब हर एक नंबर लाना ज़रूरी है ये नहीं है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा ट्रिक और ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा, मगर जिस सब्जेक्ट आप पढ़ेगा उससे आपका कोई भी क्वेश्चन निकल ना जाए फ्रेंड्स, वो ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं ढेर सारा क्वेश्चन लाता रहूँगा और आंसर लाता रहूँ, क्वेश्चन आंसर, इसी तरह क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, सब कुछ मैं लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।